बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू दिलावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको वायरल सीरोलॉजी या वायरल मार्क का टेस्ट करना सिखाऊंगा। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV एड्स। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। आपने इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता होना चाहिए वायरस सीरोलॉजी के अंदर तीन टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV एड्स, जिसे हम ह्यूमन इम्यून वायरस भी कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मैं HIV ह्यूमन इम्यून वायरस एड्स का जो टेस्ट करने लगा हूँ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक सैंपल है, इसको मैं सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख रहा हूं और इसके बैलेंस के लिए दूसरा सैंपल रख रहा हूं। अब इस मशीन को ऑन कर देते हैं, इसको एक मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इस जब जैसे ही एक मिनट के बाद ये सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो इसके बाद ये आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन को स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद सैंपल को निकाल लेना है। सैंपल जैसे ही ये रोटेशन बंद करती है तो उसके बाद ये हमारे पास HIV की स्ट्रिप है, HIV की स्ट्रिप है, इससे हम HIV का टेस्ट करते हैं। ये HIV स्ट्रिप है हमारे पास, ये मैंने स्ट्रिप को इधर रख दिया है और ये हमने सैंपल ले लिया है। ये हमारे पास सैंपल है, इसमें से हम 50 ml मीन के 2 ड्रॉप्स डाल देने हैं इसमें सीरम के। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर, सीरम और प्लाज्मा। इसमें हम सीरम के 2 ड्रॉप्स लेंगे, उसके बाद हम इसमें 2 ड्रॉप्स बफर सॉल्यूशन के ऐड कर देंगे। इसके बाद ये ऐसे ही टेस्ट आना शुरू हो जाएगा 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर अंदर इसकी रीडिंग को नोट कर लेना है हमने HIV के। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कंट्रोल लाइन, ये शो करती है कि स्ट्रिप ठीक है या ठीक नहीं है। दूसरा है टेस्ट लाइन, जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसको शो करती है। अगर कंट्रोल लाइन आती है सिंगल लाइन, वो शो कर रही है कि टेस्ट नेगेटिव है। अगर कंट्रोल लाइन के साथ टेस्ट लाइन भी आ जाती है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ये हमारे पास एक सैंपल है, इसका 2 लाइंस आई हुई हैं, एक कंट्रोल लाइन, एक सिंगल लाइन टेस्ट लाइन, ये पॉजिटिव है। और ये जो हमने अभी टेस्ट लगाया है इसकी, अब देखें ऐसे ऐसा वो लाइंस आ गई हैं, इसकी एक लाइन आई है, ये नेगेटिव है। व्यूअर्स, आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको HIV का टेस्ट करना सिखा रहा हूँ। आज ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है और इसके अंदर हमने ये 2 सैंपल रख देने हैं। एक सैंपल ये हमने टेस्ट के लिए है, ये उसकी बैलेंसिंग के लिए। ये हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन क्लोज कर दी है और इसे रन कर दिया है। जैसे ही ये 1 मिनट के बाद इसके अंदर सीरम और प्लाज्मा अलग हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे 1 मिनट के बाद, या ऑटोमेटिक खुद ब खुद भी ये स्टॉप हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जैसे ही ये रोटेट करना बंद करती है
तो इसमें से वो सैंपल निकाल लेंगे और आज हम एचआईवी का टेस्ट लगाना सीख रहे हैं। ये हमारे पास एचआईवी की स्ट्रिप है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एचआईवी की स्ट्रिप है, ये हमने सैंपल निकाल लिया है और इसमें से टू ड्रॉप्स मीन के 50 ml इसमें से हमने लेना है। तो टू ड्रॉप्स डालने के बाद हम इसमें दो ड्रॉप्स बस बफर सॉल्यूशन के भी डालेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक होती है कंट्रोल लाइन, एक होती है टेस्ट लाइन। टेस्ट लाइन शो करती है पॉजिटिव या नेगेटिव, कंट्रोल लाइन शो करती है कि स्ट्रिप वैलिड है या नॉन वैलिड है, मतलब स्ट्रिप ठीक है या नहीं ठीक है। ये देखें, अब कंट्रोल लाइन आ रही है, इसमें शो हो रहा है कि ये स्ट्रिप ठीक है और ये नेगेटिव रिज़ल्ट है क्योंकि इसमें टेस्ट लाइन परफॉर्म नहीं की। ये हमारे पास एक दूसरी स्ट्रिप हेपेटाइटिस सी की, ये देखें इसमें दो लाइंस शो की हुई हैं, एक टेस्ट लाइन है एक कंट्रोल लाइन है, ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव है और स्ट्रिप भी ठीक है। ऐसे ही ये देखें, अब हमने ये परफॉर्म कर दिया है एचआईवी एड्स के बारे में, एचआईवी का ये टेस्ट है, ये सरोलॉजी है एचआईवी की। अब नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह हम हेपेटाइटिस सी के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।